और जी न्यूज, ये चारों पता मैंने क्यों बंद करवाए। उसमें एक पत्रकार बोल रहा था, नाम था सुधीर चौधरी। मैं नहीं मानता वो चौधरी होगा, क्योंकि चौधरी तो जमीनों वाले जिम्मेदार होते हैं। वो नाम का चौधरी है, असलियत में वो सुधीर चापलूस है। चौधरी नहीं है वो चापलूस है। वो क्या कह रहा था, भी जितने किसान बैठे हैं वो अनपढ़ हैं। तो मैं कह रहा हूं तुझको किसानों की एजुकेशन के बारे में पता ही क्या है, हम तो लहराती हुई फसल देख के बता देते हैं कितने क्विंटल निकलेगी। हम तो ट्राली भर जाती है ना जब दाने की, गेहूं की ट्राली भरी हो, धान की ट्राली भरी हो, हम देख के बता देंगे इसमें कितने क्विंटल धान है। तो हमारी एजुकेशन का ध्यान देता है, गाय खड़ी हो उसको देख के बता देंगे इसके नीचे कितना दूध है, कितना दूध देने वाली गाय है। तू नहीं बता सकता कितना किसान कितना पढ़ा लिखा है। वो अपनी फसल को पालता है, बच्चों की तरह पालता है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहते हैं किसान बोवे किसानी। गुरु ग्रंथ साहिब में ना सबसे सच्ची किरत किसान की बताई गई है, क्योंकि ये किरत एक ऐसी किरत है जिसमें बेईमानी हो ही नहीं सकती। क्या करोगे, हाँ हमसे खरीदने के बाद, हमसे सरसों खरीदने के बाद उसका तेल निकाल के बीच में जो बहुत कुछ मिला देते हैं, बहुत कुछ मिलाते हैं उसमें। हमसे गेहूं खरीदने के बाद उसका आटा बनाने की बजाय उसमें पत्थर डाल के डालते हैं पीस के, उसका वजन बढ़ाने की बजाय। जिन इनके मनों में बेईमानी है, हमारे मनों में बेईमानी नहीं है। हम तो अपनी चीज प्योर बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं ना हम, कितना रेट 1300-1200 हजार। ये उसमें पत्थर डाल के पीस के आटे का वजन बढ़ा करके उसको 30 रुपए बेच रहे हैं, बेईमान कौन है। अरे किताबों की डिग्रियां हासिल करने से कोई पढ़ा लिखा नहीं होता, असली पढ़ा लिखा वो है जो ईमानदार होता है, और किसान सबसे ईमानदार है। तो मैं कहना चाहूंगा आप मीडिया वालों से, ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए, सच की बात दिखाइए। एक समय वो था जब हिटलर की खुशामद करने में सभी मीडिया वाले लग गए थे, आखिर उस हिटलर ने खुद आत्महत्या की थी। क्यों ऐसा कर रहे हो, सच दिखाइए, सच। जे भगवान का रूप बैठे हैं इनमें कोई बेईमान नहीं है, जे अपने हक के लिए बैठे हैं कोई अनपढ़ नहीं है। आप कह रहे किसान पढ़ा लिखा नहीं है, चुन लीजिए किसी के साथ इंग्लिश में इंटरव्यू कर लीजिए, मेरे साथ कर लीजिए, हम बताएंगे कितने पढ़े लिखे किसान है। मैं भी एक किसान का पुत्र हूं, तो मेरे किसान भाइयों आप डटे रहो। आखिर ये मैं देख रहा हूं बहुत सारे किसान भाई शहीदी यहां पर दे गए हैं, और ये तो संघर्ष में होता ही है। जब जंग लड़ा जाता है ना उसमें शहादत तो होती है। कबीर जी का एक दोहरा कह के मैं समाप्ति कर दूंगा। कबीर जी कहते हैं, कबीर ऐसे हुए परी मन को भावत कीन, मरने ते क्या डरपना जब हाथ सधौरा लिया। सधौरा बोलते हैं जैसे पहले स्त्रियां सती होने जाती थी ना, सती प्रथा चलती थी भारत में, तो एक नारियल को संदूर लगा के रख देते थे, जब स्त्री वो उठा लेती थी ना इसका मतलब है अब जे सती होगी। हमने वो सिधौरा उठा लिया है, हम सती होंगे या अपना हक लेकर के। आखिर में सारे मेरा एक जोर से जयकारा बोले सोनहार, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।